ये अभी दाल बन रहा है ना, और उधर क्या बन रहा है? आलू का सब्जी। वाह, तो आज खाने में दाल बन रहा है। देखो ये पूरा अंधेरा जगह, आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, और यही बस लाइफ है यार, ट्रैवलिंग का हो या ट्रक लाइफ हो, जहाँ पे भी मौका मिले बस खाना बना लो और खा के सो जाओ। अच्छा अंडा भी है, तो अभी अंडा बनेगा नहीं यहाँ। बाय, थैंक यू, बाय। सो नाउ यू हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय एंड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भी मैं चंपई में हूँ, बारिश गिरा आप लोग देख ही सकते हो, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ GCC यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चंपई। और एक्चुअली मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रिनी के साथ, और उसके संग मेरा मुलाकात हुआ था कल रात को, उसने अपने कॉलेज में इन्वाइट किया और मेरा आज आखिरी दिन है, तो मैं सोचा हाँ उसके संग जाना चाहिए। उसका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, फिर 1 बजे तक वो फ्री हो जाएगी, 10 बजे से उसका पेपर है, फिर साथ में थोड़ा ये टाउन घूमेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा आइजोल के लिए। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं रिमी के कॉलेज में, ये मेरी न्यू फ्रेंड है रिमी, एंड इसका एग्जाम है सेकेंड सेमेस्टर का। बहुत ज्यादा शर्मीली है यार ये, लेकिन बहुत क्यूट और बहुत ज्यादा प्यारी है। आई एम नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट वेट। या ओके ओके, टू टीचर। ओह इफ तो इस वक्त हम लोग कॉलेज में आ गए हैं, और मैं ये जगह को पूरा एक्सप्लोर करूंगा, तब तक रिमी अपना एग्जाम दे देगी, एंड रिमी बेस्ट ऑफ लक, ओके, एंड कंप्लीट योर ऑल पेपर। I'm going to Aizawl. Okay. So best of luck, yeah, for you. Thank you very much. Could you bring my ID card so I can go in? So my mom send a picture, na? Oh. So now you happy? Best of luck, enjoy. Thank you so much. And okay. Bye and best of luck. तो आप लोगों को बता दूं यार, एग्जाम शुरू हो गया और ये अपना आईडी कार्ड भूल गई थी घर पे, बस इसके संग मेरा इसी जगह पे अभी मुलाकात हुआ। बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है, और एग्जाम शायद 5 मिनट या लेट भी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं यार, भगवान माता जी आशीर्वाद दे और ये अच्छे से एग्जाम क्लियर करे अपना।
दोस्तों, इस वक्त मैं चंपई कॉलेज कैंपस के अंदर में हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि 1971 में ये कॉलेज बना था और इस कॉलेज में तीन तरीके का भाषा चलता है, इंग्लिश, हिंदी, मिजो, तीन लैंग्वेज चलता है, बहुत अच्छा है। और इस कॉलेज में बीए, बीसीए, बीकेएम की यहाँ पे कोर्स होते हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है और ये चंपई का इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है। हम लोग और आगे की तरफ ऐसे पहाड़ चढ़ते हुए थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे इन लोगों का प्लेग्राउंड है, फुटबॉल वगैरह और भी बहुत सारा गेम एक्टिविटी होता है। देख सकते हैं कॉलेजेस के मैचेस है, एक तो यहाँ का चंपई कॉलेज का है और ये दूसरा कॉलेज कौन सा है मेरे को नहीं पता। फुटबॉल देखना होगी, अभी भी मैच चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से यार सपोर्टर्स चेयर्स कर रहे हैं अपने टीम को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन बारिश गिर रहा है तो मैं कैंपस में ही जाके बैठता हूँ, मज़ा आ रहा था और ऐसे भी बहुत दिनों बाद जाके किसी फील्ड पे मैच देख रहा था, मज़ा आया यार। How was going your exam? I'm doing really
It's great. Good luck for your journey and for your own life. Thank you. May God bless you. चंपई से अब मैं लूंगा रवाना और श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन के पास भी जाना है यार, क्योंकि भैया जी से लास्ट टाइम मिलना जो है, लेकिन अभी तक अपना बैकपैक मैं तैयार नहीं किया। रूम में जाते हैं, अपना बैकपैक तैयार करता हूँ, फिर यहाँ से लेता हूँ रवाना। मम्मी फॉर एवरीथिंग, बाय बाय एंड यस थैंक यू फॉर ऑल लव, बाय थैंक यू बाय। तो थैंक यू सो मच लिफ्ट देने के लिए। और ये ब्रदर जाएंगे सिलचर और इनके पार्टनर है ये। तो ये हमारे रास्ते हैं और इस रास्ते एंजॉय करते हुए अब चलेंगे। खूबसूरत है नहीं? समुद्र में तेरा नदी नलों में क्या रखा है? तो मोहब्बत करना तो आप ड्राइवर से करो या और लड़कों में क्या रखा? क्या बात हो, शेरो शायरी भी चल रहा है। ये ड्राइवर का सीन है। ओ क्या बात है, क्या बात है। ओ हाथ ताले, क्या बात है। तो किफांग के लिए अभी हम लोग निकले हुए थे कि ये अपना ट्रक है, रोक के अभी खाना बनाया जा रहा है। ये देखो ये अभी दाल बन रहा है ना, और उधर क्या बन रहा है? आलू का सब्जी। वाह, तो आज खाने में दाल बन रहा है। देखो ये पूरा अंधेरा जगह, आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, और यही बस लाइफ है यार, ट्रैवलिंग का हो या ट्रक लाइफ हो, जहाँ पे भी मौका मिले बस खाना बना लो और खा के सो जाओ। अच्छा अंडा भी है, तो अभी अंडा बनेगा नहीं, तो रोज का यही है नहीं, यही लाइफ है यार दोस्तों, देख सकते हो। रोड पे खाना, रोड में सोना। हाँ जिंदगी रोड पे ही है, रोड पे मरना है। अरे यही अपना घर है और यही छोटी सी जिंदगी। किफांग से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से किफांग 35 किलोमीटर के करीब है, शायद 11:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। नहीं बस रात को मैं तो रुक जाऊंगा, फिर ये लोग निकल जाएंगे। ये लोग जा रहे हैं सिलचर और मैं किफांग में रुकूंगा। और लास्ट टाइम जब मैं किफांग में आया था तो एक फैमिली से मिला था, वो एक्चुअली उन लोगों का चार्जर मेरे पास रह गया, मेरा चार्जर उन लोगों के पास रह गया, तो यार चार्जर देना। तो सुबह को मैं उन लोगों को चार्जर देके फिर वहां से निकल जाऊंगा आइजोल के लिए। रात का अभी 11:30 बज रहा है और इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ किफांग। यहाँ पे आसपास कहीं जगह देख लूंगा टेंट लगाने का, फिर यहाँ पे रेस्ट लेने के बाद सुबह को मिलूंगा, चार्जर दे दूंगा, फिर निकलूंगा यहाँ से आइजोल के लिए। अभी रात का 11:30 बज गया है, तो बस यही बोलूंगा यार, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना, और यूं ही अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखना, और जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो टाटा बाय बाय, सभी को गुड नाइट यार।